तो योग जो है वो एक बहुत छोटा, इसके पार्ट्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, जैसे इसके आसन हैं, इसके स्टेप्स हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा एक योग कराऊंगा, जैसे कि वो एक हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड विपसना मेडिटेशन। दैट्स अ पार्ट ऑफ विपसना मेडिटेशन दैट्स गिवन बाय द महात्मा बुद्ध। एंड फॉर दैट मेडिटेशन यू हैव टू सिट फर्स्टली, सर इट्स अ परमिशन टू सिट। ये जब भगवान बुद्ध जो थे वो एक उस सत्य की खोज में निकले थे, तो क्यों ना मतलब हम इसी को ही एक साधन बनाते, क्योंकि प्रकृति का जितने भी जो संपूर्ण प्रकृति है ये पांच तत्व से मिलकर बनी है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि। तो महात्मा बुद्ध ने इन्हीं को पांच तत्व को पकड़ के वहाँ पारब्रह्म के एक यात्रा करी। तो ये पांच तत्व का ये जो हमारा शरीर है, ये जो पांच तत्व का हमारा शरीर है, इसी को पकड़ के हम जो है एक नई यात्रा पे निकल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सबसे बड़ी रुकावट आत्मा और परमात्मा के मिलने में वो यही है कि हमारा मन बीच में आ चुका है। अगर किसी तरीके से ये मन बीच से गिर जाए तो आत्मा सहज रूप से परमात्मा से जुड़ सकती है, पर मन जो है ये विकृति का मालिक है जो आज्ञा चक्र पे स्थित है, इसलिए मन को हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मन को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहते हैं कि जब सबसे पहला आदमी जब दुनिया में आता है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, बेटा आप बताओ, बच्चे बताएंगे कि जब आदमी दुनिया में आता है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, किसी स्टूडेंट को पता है, किसी टीचर को, सबसे पहला काम सांस लेना। सबसे पहला काम आदमी जिस दुनिया में करता है वो सांस लेता है। जब सांस लेता है तो उसकी एग्जिस्टेंस शुरू होती है। अच्छा, इस दुनिया से जब आदमी जाता है तो सबसे लास्ट काम क्या होता है, वो भी सांस ही लेता है, रुक जाता है, उसकी जरूरत है। इस वक्त इसका महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये कहीं ना कहीं ये लाइफ इस सांसों के बीच में फंसी है, क्यों ना अगर सांस के रहस्य को समझ लिया जाए, जान लिया जाए, तो वहां तक पहुंचा जा सकता है, यहाँ तक हमें पहुंचना है। एक पुल है सांसों का, एक तरफ हमारा शरीर बैठा है, आत्मा बैठी है, और दूसरी तरफ परमात्मा बैठी है। आत्मा और परमात्मा के बीच में पुल बंधा है सांसों का, तो हम धीरे 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 पुल के ऊपर से सांस के माध्यम से सफर करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं जहां तक हमें पहुंचना है। तो सांस को हमने कुछ नहीं करना, सांस हमारी जैसी आ रही है, हमने जस्ट क्या करना है, सांस को पकड़ना है। पकड़ना क्या है, सांस को आती जाती सांस को देखना है, सिर्फ देखना है, कुछ भी नहीं करना। आपके अंदर जैसे भी विचार आए, जो भी विचार आए, आपने विचारों के साथ फाइट नहीं करनी है।